नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी मन धुआं धुआं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मन धुआं धुआं। यूं तो पूरे रास्ते ही मन खराब रहा था, पर जब स्टेशन पर कोई नजर ना आया तो डर घबराहट में बदल गया। पता नहीं क्या बात है, कौन बीमार है, कुछ तो होगा ही, तभी तो बड़े भैया ने तार देकर बुलाया है, नहीं तो पिछले 12 सालों में एक बार भी तो ऐसा नहीं हुआ। सच तो यह है कि बाबूजी की मृत्यु के बाद साग्रह कभी निमंत्रण आया ही नहीं। वे थे तो 30 त्योहार पर बुला भी लेते थे, अब तो यह है कि बड़े भैया के हल्के से इशारे का भी बहाना बनाकर खुद ही चली आती हूँ ताकि ससुराल में नाक ऊंची रहे। घर अभी थोड़ी दूर ही था कि साइकिल पर स्कूल जाती हुई दीपा नजर आ गई। मैंने फौरन टैक्सी रुकवाई और उतर पड़ी। मुझे इस तरह एकाएक सामने पाकर दीपा पहले तो अचकचा गई, पर दूसरे ही पल साइकिल से उतरकर मुझसे लिपट गई। बुआ, एकदम अचानक कैसे? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए, मैंने चुटकी से उसकी नाक पकड़कर हिलाते हुए कहा। बुआ भतीजी का यह प्रेमालाप पता नहीं कितनी देर तक चलता, पर मैंने देखा उसके साथ वाली लड़कियां बेचैन हो रही हैं। अच्छा, अब शाम को मिलेंगे, अब झटपट स्कूल जाओ तो, मैंने उसके गालों पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अच्छा, सी यू, उसने अपना सुकोमल हाथ हवा में लहराते हुए कहा और साइकिल पर बैठकर फुर्र से उड़ गई। ड्राइवर यदि आवाज न देता तो मैं पता नहीं कितनी देर तक उस कमनीय आकृति को देखती रहती। स्कूल की यूनिफॉर्म में भी वह सबसे अलग लग रही थी। माँ का रूप लावण्य उसे विरासत में जो मिला है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि विधाता ने उसे माँ का सा तन ही दिया है, मन नहीं। नहीं तो क्या इस तरह मुस्कुराकर स्वागत करती, दौड़कर गले से लिपट जाती? उसकी उस निश्चल मुस्कुराहट से मन एकदम हल्का हो आया था। समझ गई कि घर पर सब कुशल मंगल है। ऐसी वैसी कोई बात होती तो भला लड़की इस तरह हंसती खिलखिलाती? तब तो शायद इनकी ही बात ठीक होगी। कह रहे थे कि प्रॉपर्टी का कोई चक्कर होगा, बार बार जता रहे थे कि आजकल तो लड़कियां भी बराबर की हिस्सेदार होती हैं। इतना ताव आया था मुझे। बाबूजी ने भर भर थैली दहेज दिया था, लेकिन फिर भी इन लोगों को तृप्ति नहीं होती, अब भी आस लगाए बैठे हैं। खुद ही साथ आना चाहते थे, पर मैंने ही मना कर दिया। तब भी गाड़ी छूटते तक हिदायतें देते रहे कि बिना जाने बूझे किसी कागज पर दस्तखत नहीं करना। पता नहीं किस प्रॉपर्टी का सपना देख रहे हैं ये लोग। गांव में एक पुराना सा मकान और 8-10 बीघे खेत, बस। शहर के जिस बंगले पर सबकी आंखें लगी हुई हैं वह तो भैया की अपनी कमाई का है। यह जमीन उन्हें ससुराल से दहेज में मिली थी। दीपा को भेजकर भाभी ने शायद अभी अभी ही दरवाजा बंद किया था। सिटकनी खोलते हुए बोली, अब क्या रह गया? पर मुझे देखते ही चुप हो गई। अरे सुमित्रा, तुम? उनके मुंह से बस इतना ही निकला और वे दरवाज़ा छोड़कर खड़ी हो गईं कि आना हो तो अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। यह कोई नई बात नहीं है, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों मन पर हर बार एक चोट सी लगती है। लगता है उल्टे पैरों लौट जाऊं, पर कहाँ हो पाता है वह। ससुराल में अपनी ममतामयी भाभी की इमेज जो स्थापित कर रखी है वही मुझे मुँह चढ़ाने लगती है। पंडित काका, जल्दी से चाय बना लो 2 कप और गोभी आलू की 1 सब्जी और छौंक दो, चौके से भाभी की आवाज़ आ रही थी। कोई मेहमान आए हैं बहू जी? हाँ, सुम्मी दीदी आई हैं। अरे सुम्मी बिटिया, कब आई? पंडित काका किचन से दौड़े चले आए। उनके झुर्रीदार चेहरे पर सफ़ेद मूछों से छनकर वात्सल और खुशी छलके पड़ रहे थे। कई बार लगता है कि कल को काका नहीं रहेंगे तो मेरा ऐसा हार्दिक स्वागत कौन करेगा? मैं भाभी की शिकायत नहीं कर रही,
सच यह है कि मैं या सुचित्रा लगातार 3 महीने भी बने रहें तो उनके माथे पर शिकन नहीं आती, हमारे स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होती। पर यह भी सच है कि हम तीसरे ही दिन बिस्तर बांध लें तो वे रुकने के लिए भी इसरार नहीं करती। हम लोग अगर 3-3 साल बाद आएं तो उलाहना सिर्फ गोविंदी देती है, भले ही उसके मूल में वे साड़ियाँ हों जो उसे हमसे इनाम में मिलती हैं। सुमी, आओ चाय लो, भाभी ने मेज पर चाय और नाश्ता लगाते हुए कहा। खाने से पहले नहाओगी ना? गोविंदी को गीजर ऑन करने के लिए कह दूं या अभी गर्म पानी शुरू नहीं किया? इतनी कोफ्त हुई, दुनिया भर की बातें पूछ रही हैं पर यह नहीं पूछेंगी कि अचानक कैसे आना हुआ या कि उन्हें मेरे आने का अंदाजा था। था तो बताए ना कि क्यों बुलाया था। आखिर मैंने ही पूछा, भाई साहब कैसे हैं? अच्छे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? मुझे तार देकर बुलाया था, इसीलिए घबरा रही थी कि पता नहीं क्या बात है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था। क्यों उन्हें बुरा लगा? जानने का कोई उपाय नहीं था, शायद नहीं भी लगा हो। इस घर की समस्याओं से वे कभी भी जुड़ नहीं पाई थी। जल में रहने वाले कमल पत्र की तरह हमेशा अछूती रही थी। हम भाई बहनों ने उनका नाम स्थित प्रज्ञ रख छोड़ा था और वह गलत नहीं था। बड़े भैया का ऑपरेशन डे था, शायद 4:15 लौटे। मुझे देखते ही उनका चेहरा खिल गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वे पास बिठाकर देर तक इनके बारे में, बच्चों के बारे में पूछते रहे। एकदम बाबूजी की याद आ गई। उन्हें देखते ही लगता था कि जाने कितनी कितनी बातें अनकही रह गई हैं। जब भी आती उनसे ढेर सी बातें करके मन हल्का कर लेती। भाभी ने खाना लगने की सूचना दी तो उठना ही पड़ा। मेज पर 3 थालियां देखकर भैया ने मीठी झिड़की दी। अरे यह क्या, इतनी देर तक भूखी बैठी रही? अरे हम लोगों का कोई ठिकाना है? भूख नहीं थी बड़े भैया, भाभी ने इतना ठूंस ठूंस कर नाश्ता करवा दिया था। भैया ने कृतज्ञ भाव से भाभी को देखा, पर वे सब्जी परोसने में व्यस्त थी। सुनील नहीं लौटा अभी तक? कितने बजे तक आ जाता है? मैंने पूछा। उनका आजकल कोई टाइम टेबल नहीं है, श्रीमान जी घर से सवेरे निकल जाते हैं तो रात गए ही घर लौटते हैं। क्यों, यही बताने के लिए तो तुम्हें बुलाया है? मैं असमंजस में उनका मुंह देखती रह गई तो बोले, खाना खा लो, बाद में बात करेंगे। पर इसके बाद खा पाना क्या संभव था? बस साथ देने के लिए बैठी रही। खाने के बाद लॉन में बैठी मैं भैया के बुलावे की प्रतीक्षा करती रही। उन्होंने बुलाया नहीं बल्कि खुद ही आकर पास बैठ गए। अपना प्रिय सिगार सुलगाते हुए उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहना शुरू किया, सुमी मैंने तुम्हें इसलिए बुला भेजा है कि तुम सुनील को समझा सको। घर भर में वह सिर्फ तुम्हारी ही बात मानता है। पर उसने ऐसा किया क्या है? किया नहीं, करने जा रहा है। क्या? शादी। शादी किससे? वही तो परेशानी का बायस है, वह डॉक्टर कुमार की लड़की से शादी कर रहा है। डॉक्टर कुमार की लड़की? मतलब शामली से? हाँ, एक ही तो लड़की है उनकी, और उसका किस्सा भी शायद तुम जानती हो। किस्सा सर्वविदित ही था। डॉक्टर कुमार के विद्यार्थी जीवन के प्रणय व्यापार की फलश्रुति थी शामली। वार्डन की विधवा पुत्र वधु के प्रति सहानुभूति कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता नहीं चला, और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। शामली की माँ का वही हश्र हुआ जो भारतीय समाज में ऐसी अभागिनों का होता है। पर अंतर्धान होने से पूर्व वह कुमार साहब को लड़की का अता पता दे गई थी। वे अनाथालय में उससे संपर्क बनाए रहे। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि शादी के 10 साल बाद तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी के यहाँ से उन्हें निराश लौटना पड़ा। हताशा के उन क्षणों में उन्होंने पत्नी के सामने अपना गुरु गंभीर अपराध स्वीकार कर लिया। फिर उसी उदारमना नारी की सहमति से डॉक्टर कुमार उस अबोध बालिका को घर ले आए थे। सांवली दुबली सी उस हंसमुख लड़की ने
आते ही उस घर को रौनक से भर दिया था। सुनील फर्स्ट ईयर से ही उनका प्रिय विद्यार्थी था। उनका शोध प्रबंध भी उसने उन्हीं के निर्देशन में लिखा था और अब तो उन्हीं के विभाग में काम कर रहा था। घर आना जाना बना ही रहता था। सुमी क्या सोच रही है? भैया इस संभावना पर हमारा ध्यान पहले क्यों नहीं गया? संभावना थी नहीं सुमी, बनाई गई थी। कुमार साहब ने जानबूझकर दोनों को खूब स्वतंत्रता दे रखी थी ताकि उनका बोझ आसानी से हल्का हो सके। भैया की बातें सुनने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पर वह सच से ज़्यादा दूर भी नहीं थी शायद। सारी शाम मेरे कानों में बड़े भैया के शब्द गूंजते रहे। मन बेतरह उलझ गया था। शाम को दीपा लूडो का बोर्ड उठा लाई। बेचारी दीपा मुकेश के बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद से बेहद अकेली पड़ गई थी, इसीलिए मेहमान आते तो खुद ही अपना और उनका मनोरंजन कर लेती थी। पर आज खेल में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था। दो चार बाजियों के बाद वह जैसे मेरी मना स्थिति भाप गई और होमवर्क का बहाना बनाकर उठ गई। उसके जाते ही मैंने राहत की सांस ली। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर पड़ रही। जब भी यहाँ आती हूँ भाभी के प्रति कृतज्ञता से भर उठती हूँ कि उन्होंने यह कमरा अभी भी हम बहनों के नाम रख छोड़ा है। यह कमरा न मिले तो शायद पीहर आने का आधा आनंद ही जाता रहे। सच बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आकर। लगता है जैसे मेरी बिल्कुल अपनी दुनिया है, इस पर और किसी का दखल नहीं है। सुनील पता नहीं कितने बजे लौटा। सफ़र की थकान से मैं तो निढाल हो गई थी। उसने मुझे नींद से जगाया, मेरे पांव छुए और फिर मेरी गोद में सिर रख कर लेट गया। इतना बड़ा हो गया है फिर भी उसके दुलार का चाव अभी नहीं भरा। माँ तो 4-5 साल का छोड़कर ही चल बसी थी। माँ की ममता का अभाव बहनों के लाड प्यार ने ही पूरा किया था। कहाँ रह गया था रे, पूरा दिन हो गया राह देखते हुए, मैंने उसके बालों में उंगलियां पिरोते हुए कहा। जरा काम में उलझ गया था, अभी अभी तो लौटा हूँ। खाना खाते हुए काका ने बताया कि तुम आई हो, बस थाली छोड़कर भाग गया। बड़ी मेहरबानी। अब आप सुनाइए, ये अचानक मेहरबान कैसे हो गई? जीजा जी महाराज इतने दयालु कैसे हो गए? आपके कारण। मेरे कारण? हाँ, आपको समझाने के लिए मेरी बुलाहट हुई है। अच्छा तो फिर शुरू हो जाइए। कहाँ से शुरू करूँ यही तो सोच रही हूँ। वह एकदम उठ बैठा, कमरे में रखी आराम कुर्सी में धस गया और गंभीर स्वर में बोला, दीदी तुम भी सोचती हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गलत तो मैं नहीं कहूँगी, पर मन एकदम राजी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आखिर उस लड़की में क्या खराबी है? उसके जन्म की कथा तो तुम जानते हो ना? अपने जन्म पर तो किसी का अधिकार नहीं होता, क्या उसे परखने का यही एक मापदंड होगा? अपना समाज अभी, मैं समाज की परवाह नहीं करता, उसने तमक कर कहा। बड़े भैया भी इस रिश्ते के पक्ष में नहीं हैं। बड़े भैया तो दीदी एकदम बाबूजी बने जा रहे हैं। 2 बार विलायत हुआने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता। मन पर जमी रूढ़ियों की काई बड़ी मुश्किल से छूटती है। सुनील तुम बड़े भैया के साथ ऐसा कहकर बड़ा अन्याय कर रहे हो। अन्याय तो वे मेरे साथ कर रहे हैं, बल्कि बरसों पहले जो अन्याय उनके साथ हुआ था उसका बदला वे मुझसे ले रहे हैं। बट आई वॉन्ट सरेंडर, आई विल फाइट इट आउट। गुस्से से उफनता हुआ सुनील बाहर चला गया। उसकी बात ने पता नहीं कितनी पुरानी यादों को झकझोर दिया। सिंथिया का सुंदर भावपूर्ण चेहरा आंखों में घूम गया। सुनील का तमतमाया चेहरा देखकर भैया का तपका विद्रोही चेहरा याद आ गया। उफ, उन 2 महीनों में घर में कितना तनाव भर गया था, कैसी महाभारत सी मची रहती थी घर में। भैया तो बात करते ही काटने दौड़ पड़ते थे, बाबूजी के सामने पड़ते ही डर लगता था। हम सब लोग दिन भर सहमे सहमे किसी विस्फोट की प्रतीक्षा करते रहते। जिज्जी की उन दिनों बस सगाई ही हुई थी। बड़ी मुश्किलों से बाबूजी अपनी मर्जी का उच्च कुलीन वर खोज पाए थे। हम लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त ही थे कि सिंथिया किसी दुःस्वप्न की तरह हम सबको चौंका गई थी। कोई कच्चे दिल वाला व्यक्ति होता तो अपने होशो हवास खो बैठता,
पर बाबूजी ने निर्णय लेने में जरा भी देर नहीं की। 28 साल की नौकरी का इस्तीफा लिखकर वे हम सबको लेकर शहर आ गए और भैया को एक तरह से उन्होंने नज़रबंद कर लिया। अब की सी सर्वग्रासी महंगाई तब न थी, पर फिर भी शहर शहर ही था। यहाँ हर चीज़ के लिए कदम कदम पर पैसा फेंकना पड़ता था। पर बाबूजी ने दिल पर पत्थर रखकर आमों का बगीचा व कुएं वाले 2 खेत बेच डाले। इस आकस्मिक खर्च के कारण जिज्जी की शादी पर वे मन भर खर्च न कर सके, जिसका उलाहना वे आज तक देती हैं। बाबूजी का त्याग व्यर्थ नहीं गया। घर में उठा तूफान एक दिन अपने आप शांत हो गया। साल बीतते न बीतते घर में फिर शहनाई बज उठी। डॉक्टर भैया के लिए राय प्रसाद हरि प्रसाद की इकलौती बेटी, शहर के बीचों बीच यह मकान और विलायत जाने का खर्च, सब दलिद्दर धुल गए। उसी शान शौकत की बदौलत चित्रा को और मुझे इतना अच्छा घर वर मिल सका। सुनील और अनिल निश्चिंत होकर पढ़ सके। दुख होता है तो बस जिज्जी के लिए। चूंकि उनका विवाह इस स्वर्ण युग से पहले हुआ था, इसलिए बहुत संपन्न परिवार में नहीं हो सका था। वैसे अपनी समझ से बाबूजी ने अच्छा ही घर देखा था। उस समय उनकी हैसियत ही क्या थी, गांव के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को तब मिलता ही क्या था। वह तो पुरखों का बनाया मकान और थोड़े से खेत थे, इसलिए इज्जत से गुजर हो जाती थी बस। अम्मा की मृत्यु के बाद हम भाई बहनों को बाबूजी ने बड़े जतन से पाला था, कभी किसी अभाव का एहसास नहीं होने दिया था। उनका बस एक ही सपना था, लड़कों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, लड़कियों के लिए कुलीन वर खोजना। इन सपनों पर जब आँच आती दिखाई दी तो उन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया और आखिर बाजी जीत ही ली। बाबूजी जब तक जीवित रहे, मन उनके प्रति एक आक्रोश से भरा रहा। बड़े भैया हम दोनों बहनों के सामने आत्मस्वीकृत व्यक्त कर रहे थे। मेरे बहाने उन्होंने सुचित्रा को इंदौर बुला लिया था और अब हम तीनों मिलकर वर्तमान संकट पर विचार विमर्श कर रहे थे। बाबूजी के जीते जी मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया, पर आज जब मैं उनके स्थान पर खड़ा हूँ तब पता चलता है कि उनका डर, उनका सोचना कितना सही था। लड़की का बाप होना अपने आप में एक मुसीबत है, फिर जब परिवार में ऐसी वैसी घटना हो जाती है तो यह समस्या और भी जटिल बन जाती है। लड़की का बाप? चित्रा ने चौंक कर पूछा। क्यों, लड़की का बाप नहीं हूं मैं? तुम विश्वास नहीं करोगी सुचि, जब से सुनील ने यह बम फेंका है मैं लगातार दीपू के बारे में सोच रहा हूँ। आज से 4-5 साल बाद जब मैं उसके लिए वर खोजने निकलूंगा, तब क्या यह शादी मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन जाएगी? तब तक तो बात पुरानी पड़ जाएगी, मैंने कहा, लोग भूल भी जाएंगे। नहीं भूलते सुमी, ना तो लोग ऐसी बातें भूलते हैं ना वे पुरानी पड़ती हैं, वे हर बार उतनी ही ताज़ा होकर सामने आती हैं। अब शामली की ही बात ले लो, 20-22 साल पुरानी बात है, फिर भी उसे लेकर हम लोग परेशान हैं कि नहीं? लेकिन परेशानी का कारण मेरी समझ में नहीं आता, सुचित्रा बोली। डॉक्टर कुमार की बेटी है वह, और आज विज्ञान की दुनिया में उनका एक नाम है। लेकिन उसकी माँ को तो भुलाया नहीं जा सकता, शामली का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने जीवन के प्रथम 10-12 वर्ष उसने अनाथ आश्रम में बिताए हैं, किस किस बात को अनदेखा करेंगे हम? हमसे कोई उत्तर नहीं देते बना। अच्छा, दीपा की बात रहने दो, उसके विवाह में अभी देर है, पर इस शादी से क्या तुम भी ससुराल में सिर उठाकर चल सकोगी? भैया ने जैसे ठीक नब्ज पर हाथ रख दिया था। सच तो है, ससुराल में जो इतनी नाक ऊंची है वह किस बलबूते पर? बाबूजी की हेडमास्टरी का तो वहां कभी जिक्र ही नहीं उठता, बस भैया की कीर्ति, भैया का वैभव, भैया के बच्चे, भैया की ससुराल, इन्हीं की चर्चा रहती है। अनिल कनाडा जाकर ऐसा गुम हो गया है कि कभी राखी की पहुंच भी नहीं देता, पर हमारे गौरव ग्रंथ में उसका नाम भी दर्ज है। हाँ, जिज्जी और उनकी गवाई फटीचर ससुराल के कारण कभी कभी उपहास झेलना पड़ता है। सुनील ने अगर यह शादी कर ली
तो वह किरकिरी होगी कि बस। हमें यूं स्तब्ध कर देने के बाद भैया ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने इस घर के लिए क्या किया है यह मेरे कहने की बात नहीं है, पर यह जरूर कहूँगा कि इन दोनों भाइयों ने मुझे हमेशा निराशा ही दी है। सोचा था दोनों डॉक्टर बनकर मेरी सहायता करेंगे, पर अनिल अपनी जिद पर अड़ा रहा और इंजीनियर बन गया। मैं उससे भी खुश था। तुम दोनों की शादी में मैंने 1-1 लाख रुपया लगाया है, पर अनिल जब अपने आदर्शों की दुहाई देकर एक साधारण घर की लड़की ब्याह लाया, तब भी मैं चुप रहा। लेकिन उसने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं, मजे में सात समुंदर पार जाकर बैठ गया। अब तो शायद उसे यह भी याद नहीं रहा कि देश में उसका घर है, परिवार है, रिश्ता जो भी है ससुराल वालों से है। कोशिश के बावजूद सुनील को मेडिकल में दाखिला नहीं मिल सका, मैंने सब्र कर लिया। मैं उसकी PhD से ही संतुष्ट था, पर अब ये जो गुल खिला रहा है उसे क्या कहूँ। मेरी प्रेस्टीज का ना सही, उसने इस घर की प्रतिष्ठा का, बाबूजी की स्वर्गीय आत्मा का तो ख्याल किया होता। बाबूजी पिता थे, शायद इसीलिए अपनी बात मनवा सके। मैं तो सिर्फ भाई हूँ। पिता के सारे कर्तव्यों को करने के बाद भी मेरे अधिकारों की एक सीमा है। मैं सिर्फ अनुरोध ही कर सकता हूँ, किसी को मजबूर नहीं कर सकता। बड़े भैया का यह करुण वक्तव्य हमें भीतर तक हिला गया। सच, पूरी जिंदगी बेचारे घर के लिए खटते रहे हैं। आज उनकी टक्कर का सर्जन पूरे प्रदेश में नहीं है। ऑपरेशन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, महीनों क्यों लगाए रहते हैं। कीर्ति और संपत्ति गंगा यमुना की तरह घर को भर रही है, पर उन्होंने जितना भी कमाया सब भाई बहनों पर खर्च कर दिया। उनका अपना छोटा सा परिवार है, पर उसके लिए भी वे कितना कर पाते हैं। सुचित्रा की शादी के बाद ही मुकेश को सिंधिया स्कूल में रखने का साहस कर सके। चाहते तो वे भी अनिल की तरह पल्ला झाड़कर अलग हो सकते थे, सारी जिम्मेदारियों से अपने आप मुक्त हो जाते। 3 दिन की धुआंधार बहस के बाद सुनील ने हथियार डाल दिए। घर की सुख शांति के लिए, परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उसने अपने प्यार की बलि देना स्वीकार कर लिया। बड़े ही शहीदाना भाव से उसने अपने निर्णय की सूचना दी। साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि शामली के पास जाकर यह सब कहने का साहस उसमें नहीं है। आखिर यह अनचाहा काम भी मुझे ही करना पड़ा, लेकिन मानना पड़ेगा कि उस दिलेर लड़की ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। वह सीधे मुझे अपने कमरे में ले गई। हम लोग कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे, पर उसने मेरा असमंजस ताड़ लिया और एकदम पूछ बैठी, आप कुछ कहने आई हैं ना दीदी। शामली, दरअसल बात यह है। आप निसंकोच होकर कहिए दीदी, मुझे मालूम है आप क्या कहने आई हैं, इसीलिए आपको माँ के पास नहीं ले गई। वे इन दिनों बीमार चल रही हैं, आपकी बात शायद सहन न कर पाए। तब तो तुम जानती हो फिर। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ कि मुझे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैंने यह अनाधिकार चेष्टा कर डाली थी। अब मुझे सत्य का साक्षात्कार करने दीजिए, कह डालिए अपनी बात, मैं भी तो जानूं सच सुनने में कैसा लगता है। उसने बहुत दृढ़ता से अपनी बात कहनी चाही थी, पर अपनी आवाज की लरज को वह छिपा नहीं सकी। तुम बहुत समझदार हो शामली, मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हारी बहादुरी की दाद देने को जी चाहता है। बस एक प्रार्थना है, सुनील को गलत ना समझना, उसने बड़े भैया की खुशी के लिए अपने मन पर पत्थर रख लिया है। और तुम्हें मालूम है, बड़े भैया उसके लिए, हम सभी के लिए पिता के समान है। उन्होंने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि उनकी इच्छा का मान करना ही पड़ता है। मुझे मालूम है दीदी, मैं उनकी व्यवस्था को समझती हूँ, लेकिन आपको कष्ट न देकर यदि स्वयं चले आते तो शायद यह आघात सहना मेरे लिए आसान हो जाता। क्या जवाब देती मैं, चुपचाप उठकर चली आई। दरवाजे पर डॉक्टर साहब से भेंट हो गई। मुझे देखते ही गदगद हो गए, कुछ देर और बैठने का बार बार आग्रह करते रहे, पर अधिक देर उनका सामना करना मेरे लिए असहनीय था।
3-4 दिन तक घर में तर्क वितर्क का एक युद्ध छिड़ा हुआ था। दलील पर दलील दी जा रही थी। उस बहस के बीच बाबूजी की और बड़े भैया की तस्वीर एक बेटी के बाप के रूप में उभरी थी और उन दोनों ने ढेर सी सहानुभूति बटोर ली थी। आज कुमार साहब को देखा तो लगा एक बेटी का बाप यह भी तो है, उसकी स्थिति तो इन दोनों से कहीं ज्यादा नाजुक, ज्यादा दयनीय है। सुनील के फैसले से घर में जैसे एक खुशी की लहर दौड़ गई। भैया तो मानो तैयार ही बैठे थे। बोले, सुमी मैं सोचता हूँ तुम दोनों यहाँ हो तो ये कुछ प्रपोजल देख लो, मेरे पास जाने कब से इकट्ठा हो गए हैं। मुझे एकदम सुनील की बात याद आ गई। ठीक ही कह रहा था वह, भैया एकदम बाबूजी बनते जा रहे हैं, जरा भी समय गंवाना नहीं चाहते, जैसे उन्हें सुनील के मन का एतबार न हो। भैया के पास जो प्रस्ताव थे उन्हें देखकर तो आंखें चौंधी आ गईं। बस लगा जैसे भाग्य लक्ष्मी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस नंबर खुलने भर की देर है, पर नंबर का चुनाव ही पशोपेश में डाले दे रहा था। एक से एक उम्दा रिश्ते, किसे लें किसे छोड़ दें समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों का चर्चा सत्र शुरू हो गया। उठते बैठते बस वही बातें। अब खाने की मेज पर पहले किसी मनहूसियत नहीं रहती। दीपा भी अपनी होने वाली चाची के सिलेक्शन कमेटी की सक्रिय सदस्य थी। और तो और पंडित काका भी फुलकों के साथ बिना मांगे अपनी राय दे जाते। हाँ, भाभी इस बहस में भाग नहीं लेती थी, पर यह कोई नई बात नहीं थी। वह हमेशा ही हम सब के बीच होकर भी नहीं होती थी। उनकी इस उदासीनता के हम आदि हो गए थे। एक और भी प्राणी था जो चुप रहता था, सुनील। वह चुपचाप एक कोने में बैठा शहीदाना भाव से हमारी बातें सुनता रहता, पर उसकी चुप्पी की हमें परवाह नहीं थी। काफी छानबीन के बाद बात एक प्रस्ताव पर आकर रुक गई। लड़की सुंदर थी, एमए पास थी, पिता एमएलए थे, भाई पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। दो बहनें अपने डॉक्टर पतियों के साथ अमेरिका में बस गई थी, यानी कि प्रस्ताव एकदम फिट था, कहीं से भी मीन मेख निकालने की गुंजाइश नहीं थी। सवाल तो यह है कि लड़की क्या वाकई इतनी सुंदर है? कई बार फोटो से बड़ा धोखा हो जाता है, तो फोटो को ही अंतिम सत्य थोड़े ही मान लेंगे। लड़की देखी भी तो जा सकती है, मैं बोली। वे लोग तो बेचारे बार बार निमंत्रण दे गए हैं, तुम लोग सुनील को लेकर चली जाओ और देख आओ, 5 घंटे का तो सफर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सुनील गुर्राया। क्यों, लड़की नहीं देखोगे? नहीं, आप देख आइए। हमारे देखने से क्या होता है, आखिरी पसंद तो मेरी कोई पसंद नहीं है। और हम कोई कानी कुबड़ी लंगड़ी लूली ले आए तो? चित्रा ने ठहाका मारा। क्या फर्क पड़ता है, जब शादी ही आप लोगों की खुशी के लिए हो रही है तो लड़की भी आपकी पसंद की आने दीजिए। हम लोगों को इस तरह निरुत्तर कर वह उठने ही वाला था कि कड़कती आवाज आई, सुनील। हम सब चौंक पड़े। क्या सचमुच यह भाभी की आवाज थी? उन्होंने नौकरों को तो दूर, कभी बच्चों को भी इस आवाज में नहीं बुलाया था। सुनील तो एकदम सकपका गया। सुनील जरा बैठो। वह आदेश का पालन करता हुआ चुपचाप बैठ गया। सुनील जी, लड़की देखने तो तुम नहीं जाओगे, पर शादी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जी मैं समझा नहीं। शादी करने तुम खुद जाओगे या पुराने राजपूत राजाओं की तरह अपनी कटार और पगड़ी भेजोगे? एक बार फिर हम सब ठगे से बुत बने भाभी को देख रहे थे। एक बात याद रखो सुनील, कि जहां कहीं भी हो शादी तुम्हारी होगी, सेहरा बांधकर लड़की के दरवाजे पर तुम जाओगे। वह अनजान कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए इस घर में आएगी, मेरी बला से। इस तरह की सूफियानी बातें करके तुम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुनील भी अब तैश में आ गया था। आप जानती हैं, सब जानते हैं कि यह शादी मुझ पर थोपी जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस सच्चाई को और लोग भी जान लें।
जितनी जल्दी जान ले अच्छा है, और लोग जान भी जाएंगे। मुझे विश्वास है तुम पहली भेंट में ही उसे जता दोगे कि यह शादी तुमने अपनी मर्जी से नहीं की है, परिवार के सुख शांति के लिए तुमने यह त्याग किया है। लेकिन सुनील, इसमें तो कोई तुक नहीं है कि बाजे गाजे के साथ तुम एक लड़की को ब्याह कर लाओ और फिर शहीदाना भाव से उसके सामने अपनी मजबूरियों का बखान करो। एक मासूम लड़की को तो तुमने आंसुओं के सैलाब में डूबने के लिए छोड़ ही दिया है। अब तुम्हें कोई हक नहीं है कि दूसरी के कुंवारे सपनों में आग लगाकर उसे जिंदगी भर सुलगते रहने के लिए छोड़ दो। हैव अ हार्ट सुनील, या तो सीना तान कर घोड़ी पर चढ़ो या दिलेरी से मना कर दो। और भाभी पता नहीं कब उठकर चल दी। हम लोग स्तब्ध बने बैठे रहे। बड़ी देर बाद हमारी भाव तंद्रा टूटी तो देखा बड़े भैया ने अपना चेहरा दोनों हथेलियों से ढक लिया है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।